इनकी कर्कश आवाज और रंग के कारण इनको हमारी लोकल भाषा में कहते हैं भदरौल। भदरौल पक्षी सब्जी की फलियों को सबसे ज्यादा खाते हैं और यूं कहें कि पहाड़ों में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान यही पक्षी पहुंचाता है। बकरा कहाँ से आ रहा आज? कितना बड़ा है? अरे गजब, बस बढ़िया। फिर तो शुभ प्रभात, रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है होलिका दहन और दूसरे गांव में जाकर बच्चों के द्वारा होली गीत गाने का ये आखिरी दिन है और इसी दिन हम लोग पूरा रंग भी खेलते हैं। सुबह की 9 बज चुकी है और अगर मौसम की बात करें तो बादलों की हल्की सी चादर ने पूरे आसमान को ढक लिया है। तो लगता है आज के दिन बहुत तेज धूप नहीं पड़ने वाली है और चंडी ने अभी तक 3 खेतों में हल लगा दिया है। और अब बारी है बैलों के आराम करने की। तो ये फर्जी नहीं है। आजकल होलियों के इस पर्व में बंदर भी गांव के आसपास नहीं फटकते हैं क्योंकि चारों ओर होली वाले बच्चों की ढोलकियां गूंजती रहती हैं। चारों ओर बच्चों के लहराते हुए लाल और सफेद होली के झंडे, चिमटे, थाली और खरताल की खनखनाहट, ढोलकी की गमक, बांसुरी की सुरीली आवाज और छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग होली गीत गाने के अंदाज होली त्योहार के इस समय को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। आज होली मनाने के लिए बगोटिया में खूब रौनक है तो चलिए वहीं चलते हैं। ये क्या बन रहा? अच्छा, अर्चना चलिए पहुंच गए। ये वो
वाला है, सबसे बड़े भाई का लड़का इनका ये है। मुंह दिखाई अब हाँ ये देखो भाई शुद्ध ऑर्गेनिक है, 9 दाने वाला मटर और यहाँ पे 11 दाने वाला भी मिला है। टेस्ट करके बताओ घर का स्वाद, घर का स्वाद मटर के दाने में गजब गजब। वही तो गिनो, बढ़िया वाला बीज है, गिनो बहुत मीठे हैं यार। कोई भी करा ये 11 लग रहे मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस दाने वाला मिल गया भाई। मेरे फोन की अभी घंटी बजी है और राजू चाचा जी का फोन है और मैंने इसे पकड़ा दिया है दयाराम चाचा जी को। हाँ जी रामल, तुम सब एक वीडियो बनाओ, तुम्हारे मैंने वीडियो नहीं, अभी सौ नंबर पर फोन करो, पाखड़ी कॉल अभी पुलिस का फोन करो सर, और पुलिस वाले का फोन करो, इतना बंद होना थाड़वा काय का सकेंगे पुलिस वाले पलियान, वो खिवट वापस ले जाने इनता बनो। हां राजू चाचा जी को पड़ाल की रोड में कुछ लोग अपने पशुओं को हमारे गांव की ओर लाते हुए दिखे। मैं नहीं पीता चाय, हमें लगा ये दूसरे गांव के लोग हैं जो अपने पशुओं को हमारे गांव में छोड़ने जा रहे हैं। ये क्रीम रोल पार्टी चंदू भाई की तरफ से मुंह दिखलाई, प्रकाश की मिठ मिठ को नहीं खाता मैं मिठा, बाहर का खा ले ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। उन लोगों के ऊपर इतनी देर तक चीखने चिल्लाने के बावजूद भी हम लोगों ने एक बात गौर की कि वो लोग वहां से टस से मस नहीं हो रहे थे और उनके पशु भी आराम से वहां पर चल रहे थे। कुछ देर बाद जब गहन विचार किया गया तो हमें ये पता चला कि वो लोग पड़ाल गांव के ही हैं और वो अपने पशुओं को दूसरे गांव में छोड़ने वाले वो लोग नहीं हैं जिन्हें समझकर हम उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। हमारा जल्ला डिपार्टमेंट तैयार हो चुका है। हम जा रहे हैं, किसी की मौत आई है, सब ठीक, कोई दिक्कत दिखेना चिंदुई, अरे काजू कुछ समय बाद गेहूं और जौ की फसल की कटाई होने वाली है जिनके दानों को घर के चौक यानी कि आंगन में सुखाया जाता है, इसलिए चौक और घर के अंदर की दीवारों की लिपाई पुताई करने के लिए लाल मिट्टी लाई जा रही है। और ये हमारे घर में पता नहीं भाई कहां से इतनी सारी मधुमक्खियां आ चुकी हैं। राजू चाचा जी के कान को दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं पैठानी बाजार। जोर से जोर से। जोर से।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ कोई कीड़ा कूड़ा तो नहीं दिख रहा? देख लो वो जो फुंसे हैं। फुंसे नहीं है, वो जा रखा है कुछ यार। नहीं तो अच्छी खबर तो ये है कि कान के अंदर कुछ भी नहीं है, वो हल्का सा कान साफ करते वक्त कभी खरोच पड़ गई होगी। ये क्या डाला है? अच्छा हाइड्रोजन परऑक्साइड। शाम के लगभग 3 बज चुकी हैं और अब हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। शाम की लगभग 5 बज चुकी हैं और मैं पहुंच चुका हूं बगोटिया। मैंने पहले भी आपको ये बड़े बड़े दार दिखाए थे, अब इनको काटकर छोटी छोटी कड़ियां बनानी हैं और साथ में ऑटोमेटिक आरा मशीन भी आ रखी है तो उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है। यह है पैलार गांव की राम सीता के साथ बहुत ही शानदार होली।
आज झंडे के साथ होली खेलने का आखिरी दिन है और मैं कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता इन यादगार और मनमोहक क्षणों को देखने का। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, बच्चों के मोबाइल के प्रति ज्यादा रुचि और आधुनिकवाद का प्रकोप, क्या पता ये क्षण दोबारा इतने मनमोहक दृश्य में उपलब्ध हो पाए या ना हो। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक गांव की हर एक अद्भुत होली में आपको दिखा पाऊँ। कबर जी, पिछली बार कोई और रहो, कोई और रहो। चला घुमा तुम। तो ये है भाई हमारे अनिल गोदियाल जी और ये अपने नए ट्रैक्टर पर हाथ आजमा रहे हैं। चला 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 चला। बाबू आराम से। दौला गांव की इस सुप्रसिद्ध और शानदार होली के साथ आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दौला गांव के होली गीत और इनके खेलने का अंदाज इतना बड़ा प्यारा है कि इसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई हैं और वो जल्दी ही एक एक करके अपलोड कर दी जाएंगी।